हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो इससे प्रीवियस वीडियो में, जैसे आप देख पा रहे हैं, इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या किए थे, प्रोडक्ट ऑफ थ्री फैक्टर स्टार्ट किए थे और हम लोग कुछ थ्योरम डिस्कशन किए थे रिगार्डिंग प्रोडक्ट ऑफ थ्री फैक्टर। और एक्सरसाइज 25 में हम लोग स्टार्ट करने वाले थे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 25 ए स्टार्ट करेंगे। आरएस अग्रवाल मैथ बुक से एक्सरसाइज 25 है, हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर वन में प्रूफ करने बोला है, हम लोगों को प्रूफ करने बोला है। क्वेश्चन नंबर वन में प्रूफ करने बोला है आई जे के इज इक्वल टू जे के I इज इक्वल टू के जे आई। ये हम लोगों को प्रूफ करने बोला है। तो इसके लिए ये क्या है, I J K बॉक्स I J K, तो इसका मतलब है I डॉट J क्रॉस K। अब J क्रॉस K क्या होता है मुझे मालूम है, I होता है, तो I डॉट I ये यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1। ठीक है, उसके बाद ये आ गया J डॉट K क्रॉस I। इसको हम क्या करेंगे, J डॉट K क्रॉस I क्या होता है, J, तो वो जे डॉट जे इजिकल टू क्या होता है, 1। उसके बाद आता है के क्रॉस के डॉट जे क्रॉस आई, ये आता है, तो ये मेरा आ गया के डॉट के वेक्टर, तो ये आ गया 1, फिर से 1। सिमिलरली और एक प्रूफ करने बोला, ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1। सिमिलरली और एक प्रूफ करने बोला है, प्रूफ यहाँ पर दिया हुआ है आई के जे इज इक्वल टू के जे आई इज इक्वल टू आई जे आई के इज इक्वल टू 1। हम लोग को ये सब को प्रूफ करने बोला था 1, तो वो हम प्रूफ ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 का आ जाता है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है ए बी सी फाइंड करने बोला, ए बी सी फाइंड ए बी सी वेयर ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, बी वेक्टर इक्वल टू माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, और एक वेक्टर है सी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ये तीनों वेक्टर है, तो हम लोग को फाइंड करने बोला है ए डॉट बी क्रॉस सी फाइंड करिए बॉक्स ए बी सी, मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी हम लोग को फाइंड करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, बी क्रॉस सी करेंगे। उसके लिए बी क्रॉस सी, उसके लिए क्या होता है, ये आई जे के माइनस 2 2 1 और 3 1 2, ये आ गया 4 माइनस 1 माइनस जे, दिस इज -4 -3, -4 -3 प्लस के
दिस इज माइनस टू माइनस सिक्स, ठीक है। तो इसको अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, माइनस थ्री आई कैप प्लस सेवन जे कैप माइनस एट के कैप, ये आ गया। अब हम इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ये मेरे ए कॉस बी से बी है, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे किससे, ए से। तो इसका अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, माइनस थ्री आई कैप प्लस सेवन जे कैप माइनस एट के कैप डॉट ए, टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस थ्री के कैप, तो ये मेरा आ जाएगा, दिस इज माइनस सिक्स थ्री इंटू टू, दिस इज प्लस सेवन एंड दिस इज माइनस ट्वेंटी फोर। सो द रिजल्ट शुड बी माइनस थर्टी प्लस सेवन, दैट इज माइनस ट्वेंटी थ्री। होप द आंसर इज करेक्ट। Actually, this answer is correct. But here B, the value, this value is not matching with the book. So this this answer will not matching with the book. So let us take one question, another question of question number two, that you can understand. Suppose. Question number two. This is question number question. This is not question from question number two of Paras Agarwal. This is another question, but it is also a question. Okay, it is also a solution. The process we should remember. Next, move to another question. The question is question number two of Paras Agarwal. Obviously, question number two. Here A is given. 2i cap minus 3j cap plus 4k cap. B is given I cap plus 2 J cap plus K cap, and C is given, C vector is given 3 I cap minus J cap plus 2 K cap, ये दिया हुआ है A B C, ठीक है। हम लोगों को फाइंड करने वाला है A dot B cross C और बॉक्स A B C। तो बॉक्स A B C क्या होगा मेरा, बॉक्स एबीसी होगा ए डॉट अगेन बी क्रॉस सी। तो पहले हम बी क्रॉस सी निकालेंगे, बी क्रॉस सी ये हो गया आई जे और ये हो गया के, वन टू माइनस वन, ये आ गया थ्री माइनस वन टू। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं हम लोगों को मिलेगा फोर माइनस वन माइनस जे, ये आ गया टू प्लस थ्री प्लस के, ये आ गया माइनस वन माइनस सिक्स, तो ये आ गया थ्री आई कैप माइनस फाइव जे कैप माइनस सेवन के कैप, ठीक है। अब इसको हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे किससे, ए से। तो ए डॉट बी क्रॉस सी में रहा जाएगा थ्री आई कैप माइनस फाइव जे कैप माइनस सेवन के कैप डॉट टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप सिक्स, दिस इज फिफ्टीन माइनस दिस इज ट्वेंटी एट। सो दैट मीन्स ट्वेंटी वन माइनस ट्वेंटी एट मीन्स माइनस सेवन। Let us took the answer. Answer is correct. Minus 7. Okay. So, both the math is correct, but this is not from R.S. Agarwal. This is any math that I have taken, any three vector, that is also a math, and this is also a solution. This is from R.S. Agarwal mathematics book. Next, move to another question. Question number 3. Question number 3 is similar to that. So, you can check it out from this book and try to solve it yourself. Next, move to another question. The question is given here. The find the volume of the parallelepiped
whose conterminous edges are represented by. So I am doing one question from here, that is question number 3-2 of R.S. Agarwal. Question number 3-2. Find the volume of parallelepiped whose conterminous edges are given here. A vector is equal to minus 3 I cap plus 7 j cap plus 5 k cap. This is A vector. Next, B vector is equal to minus 5 I cap plus 7 j cap minus 3 k cap. C vector is equal to 7 I cap minus 5 j cap minus 3 k cap. ठीक है, तो A dot A box ABC, बॉक्स एबीसी क्या होगा, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये हो गया. अब मेरा बी क्रॉस सी क्या आ गया, आई जे के. ठीक है, आई जे के आ गया माइनस 5 7 माइनस 3 7 माइनस 5 माइनस 3. तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं, ये आ गया माइनस 21 प्लस माइनस 15 माइनस 21 माइनस 15 माइनस जे कैप, ये आ गया प्लस 15 प्लस 21 फिर के कैप 25 माइनस 49. आई थिंक इट्स करेक्ट द कैलकुलेशन. लेट अस टेक वंस अगेन, दैट इज माइनस 21 माइनस 15 माइनस जे कैप, दिस इज 15 प्लस 21 नेक्स्ट के कैप 25 माइनस 49. तो ये मेरा आ जाएगा माइनस 36 आई कैप माइनस 36 जे कैप, और ये आ जाएगा माइनस, दिस इज 4 माइनस 24 के कैप. अब मुझे ए डॉट बी क्रॉस सी निकालना है. ठीक है, तो ये आ गया माइनस 3 आई कैप ए डॉट बी क्रॉस सी, ये ए डॉट बी माइनस 3 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 5 के कैप डॉट माइनस 36 आई कैप माइनस 36 जे कैप माइनस 24 के कैप. ठीक है, तो ये मेरा आ गया अगर हम ये कैलकुलेशन करते हैं is 108, sorry, this is 108 minus 7 so if we calculate here this is 108 minus 2 this is 7 3. माइनस 264, लेकिन वॉल्यूम कभी माइनस नहीं होता है, वॉल्यूम क्या होता है, हमेशा प्लस होता है. तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मॉड वैल्यू ऑफ दिस. तो हम मॉड वैल्यू ले रहे हैं, तो इसका मॉड्यूलस वैल्यू ले रहे हैं, तो मॉड्यूलस वैल्यू अगर हम लेंगे तो ये आ गया मेरा 264. ओके,
व्यूअर्स, और एक बात हम एक बार फिर से कह रहे हैं आपसे कि दिस सिंस दिस इज मैथमेटिक्स, ये अगर ये मैथमेटिक्स है तो अगर देयर शुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग सम रॉन्ग कैलकुलेशन और रॉन्ग मैथ. नाउ इफ यू फाइंड, अगर आप कभी भी फाइंड करते हैं किसी मेरे सॉल्यूशंस में, जैसे कि हम ये अपडेट देते जा रहे हैं मेरे चैनल पे, अगर आप लोग कहीं पर भी देखते हैं कि यहाँ पर एरर है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं पिछले वो जो मेरा एरर है या मेरा गलती है उसको हम सुधार सकें. ठीक है, दिस इज़ अ रिक्वेस्ट टू यू. बट इन दिस लॉकडाउन प्रोसेस आई विल ट्राई टू हेल्प माई स्टूडेंट्स, नॉट माई स्टूडेंट्स, आई विल हेल्प ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 स्पेशली. दैट्स वाई आई हैव टेकन दिस इनिशिएटिव. ओके, सो नेक्स्ट मूव टू अनदर क्वेश्चन. नेक्स्ट वन, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3-2. सो नेक्स्ट मूव टू अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3-4. ए वेक्टर इज इक्वल टू 6i कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू 2j कैप, और सी वेक्टर इज इक्वल टू 5k कैप, ये दिया हुआ है. ठीक है, तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है. तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बी क्रॉस सी निकालना पड़ेगा. B क्रॉस C क्या होगा, 2J, हम डिटरमिनेंट नहीं ले रहे हैं, प्लस 5K, तो ये आ गया मेरा 10J क्रॉस K, ये आ गया. तो 10J क्रॉस K मीन्स I. अब A डॉट B क्रॉस C क्या हो जाएगा, A डॉट B क्रॉस C, ये मेरा हो गया 6i कैप डॉट 10i कैप, तो मेरा आ गया 60. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड, यहाँ पर हम आंसर लिखना भूल गए कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड इज इक्वल टू 264 क्यूबिक यूनिट. ओके, तो यहाँ पर भी वॉल्यूम क्या होगा, would be 60 क्यूबिक यूनिट. होप आप देख पा रहे हैं. उसके बाद हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, सो दैट द वेक्टर ए बी सी आर कोप्लेनर. तो कोप्लेनर होने के लिए क्या शर्त होता है हम लोग का, कि बॉक्स ए बी सी 0 होता है. तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर फोर, सो दैट ए बी सी आर कोप्लेनर, यहाँ पर ए बी सी दिया हुआ है, ए वेक्टर, क्वेश्चन नंबर 4-1, ए वेक्टर दिया हुआ है. ए वेक्टर क्या दिया हुआ, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप. बी वेक्टर क्या दिया हुआ है, माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप. सी वेक्टर, और एक वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, ये दिया हुआ है. तो हमें पहले बी क्रॉस सी निकालना है. बी क्रॉस सी डिटरमिनेंट आई जे के माइनस 2, 3 - 4, 1 - 3, 5. दिस इक्वल टू आई इंटू दिस इज 15 - 12 माइनस जे इंटू दिस इज माइनस 10 प्लस 4 प्लस के इंटू दिस इज 6 माइनस 3. तो यह आ गया 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप, ये मेरा बी क्रॉस सी आ गया. अब ए डॉट बी क्रॉस सी क्या आ जाएगा, आई माइनस
टू जे कैप प्लस थ्री के कैप डॉट थ्री आई कैप प्लस सिक्स जे कैप प्लस थ्री के कैप। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे दिस इज थ्री दिस इज तो अगर हम ये कैलकुलेशन करते हैं तो ये मेरा क्या आता है दिस इज थ्री दिस इज माइनस ट्वेल्व एंड दिस इज प्लस नाइन सो दैट शुड बी इक्वल्स टू दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। सो अगर ये ज़ीरो आ गया तो इससे हम कह सकते हैं कि ये तीनों जो वेक्टर है ए बी और सी जो दिया हुआ है ये तीनों वेक्टर क्या होता है दिस थ्री वेक्टर सर वेक्टर ए बी सी आर क्या हो गया कोप्लानर। ठीक है नेक्स्ट मूव टू अनदर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर व्हिच ए बी सी आर कोप्लानर। सो हमें सीबीएसई एक क्वेश्चन में आया हुआ है सो व्यूअर्स आई एम सॉल्विंग ओनली वन क्वेश्चन फ्रॉम फोर सो यू शुड there are three question total so you should do yourself question number 2 and 3 if you have any problem then comment me I will try to solve it out and the book name is RS Agarwal exercise 25a product of three vector. Next move to another question here the question is given find the value of lambda yahan par bol diya hai ki find the value of lambda hum log ko lambda find karna hai value lambda ka value find karna hai to yahan se mera a vector is equal to kya hai 2 i cap minus j cap plus k cap a vector ye hai b vector hoga आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप ये वेक्टर हो गया सी वेक्टर क्या है सी वेक्टर हो गया थ्री आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस फाइव के कैप तो ये मेरा तीनों वेक्टर आ गया होप इट इज़ विजिबल टू यू तो थ्री वेक्टर्स दिस फाइव के कैप सो अगेन वी आर गोइंग टू फाइंड बी क्रॉस सी वी आर गोइंग टू फाइंड तो अगर हम इसे क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं देखते हैं क्या होता है आई जे के और वो आ गया वन टू थ्री दिस इज थ्री लैम्डा फाइव दैट्स इक्वल टू आई इंटू दिस इज टेन माइनस थ्री लैम्डा माइनस जे कैप थ्री वेक्टर दिस इज फाइव माइनस नाइन प्लस के हेट दिस इज लैम्डा माइनस सिक्स ओके नाउ डॉट प्रोडक्ट विथ दिस वेक्टर टू दिस वेक्टर टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डॉट टेन माइनस थ्री लैम्डा आई कैप माइनस फाइव माइनस नाइन मीन्स यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं फाइव माइनस नाइन मीन्स माइनस फोर तो प्लस फोर जे कैप और ये हो गया मेरा लैम्डा माइनस सिक्स के कैप। ठीक है तो इसका हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं किसे डॉट प्रोडक्ट करेंगे इससे डॉट प्रोडक्ट करेंगे और वो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा मेरा ज़ीरो क्योंकि ए बी सी कोप्लानर बोला हुआ है ए बी सी आर सिंस ए बी सी आर कोप्लानर तो ये क्या हो जाएगा मेरा 20 माइनस सिक्स लैम्डा दिस इज माइनस फोर प्लस लैम्डा माइनस सिक्स दैट्स इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये मेरा कैलकुलेशन में आ जाएगा माइनस फाइव लैम्डा आ रहा है माइनस फाइव लैम्डा दिस इज
-24 -30 दैट्स इक्वल टू +30 -500 इक्वल टू +30 और लैम्डा इज इक्वल टू -6 यहाँ से आ रहा है। व्यूअर्स दिस इज ट्वाइस आई माइनस जे प्लस थ्राइस के हेट तो दिस इज थ्राइस के हेट सो दिस शुड बी 3 ओके 3 इंटू लैम्डा माइनस 6 सो इफ यू कैलकुलेट अगेन दिस इज 20 माइनस 6 लैम्डा माइनस 4 प्लस 3 लैम्डा माइनस 18 इज इक्वल टू 0 तो ये 20 है 20 माइनस 4 माइनस दैट इज 3 कैलकुलेशन ही होगा एक यही होगा यहाँ पर 20 माइनस 6 लैम्डा माइनस 4 प्लस लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0 तो 20 माइनस 6 लैम्डा माइनस 4 अगर हम इसको कैलकुलेशन करते हैं तो ये आ गया मेरा 10 और ये आ गया माइनस 6 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा इक्वल टू 0 तो यहाँ से माइनस 5 लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया -10 तो लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा 2 ठीक है। व्यूअर्स अगेन आई एम टेलिंग यू दैट इफ़ यू आर फाइंडिंग एनी एरर रिगार्डिंग माय सॉल्यूशन इट शुड बी पॉसिबल दैट बिकॉज दिस इज मैथ नाउ टू सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ मैथ दिस इज अ कैलकुलेशन बेस्ड सो टू सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ मैथ देयर शुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ एरर सपोज इफ यू फाइंड अगर आप फाइंड करते हैं कहीं पर एरर तो मुझे वो आप बता दीजिएगा मेरे कमेंट बॉक्स पे बट मैं ये चाहता हूँ कि आप द प्रोसेस फॉलो कीजिए प्रोसेस ठीक है बाकी कैलकुलेशन वो आप खुद कर लीजिएगा लेकिन प्रोसेस इज द मेन थिंग सो यहाँ से हो गया यहाँ पर एक लाइन हम लोग को ऐड करना पड़ेगा सिंस दिस लाइन के इस लाइन के बाद एक लाइन हम लोग ऐड करना पड़ेगा सिंस ए बी सी आर कोप्लेनर ए बी सी आर कोप्लेनर ए बी सी आर कोप्लेनर तो इसके लिए ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0 ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0 तो उसके बाद ये आ गया ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है सी दिया हुआ है तो हम लोग को बॉक्स ए बी सी फाइंड करना है। सिमिलर क्वेश्चन है आप ये खुद करिए ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड हुज एजेस आर गिवन और उसका वैल्यू भी दिया हुआ है तो लैम्डा फाइंड करने बोला है तो द वैल्यू ऑफ द एजेस ऑफ द पैरेललोपिपेड एजेस क्या 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 दिया हुआ है पैरेललोपिपेड का -12 i cap प्लस लैम्डा k cap 3 j cap माइनस k cap और 2 i cap plus j cap -15 k cap ये दिया हुआ है एजेस तो हम लोग को और इसका वॉल्यूम क्या कितना दिया हुआ है वॉल्यूम दिया हुआ है 546 क्यूबिक यूनिट तो हमें इसका लैम्डा का वैल्यू फाइंड करने बोला लैम्डा का वैल्यू तो इसको हम लेते हैं ए वेक्टर इसको बी वेक्टर और इसको हम लेते हैं मेरा सी वेक्टर ठीक है।
जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो यहाँ से हम बी क्रॉस सी करेंगे, पहले बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी क्या आएगा, आई जे के, ये आ गया मेरा 0, 3, -1 दिस वेक्टर, और ये आ गया मेरा 2, 1, -15 दिस वेक्टर। तो ये अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, ये आ जाएगा मेरा आई, दिस इज -45 + 1 - j वेक्टर, ये 0 + 2 + k वेक्टर 0 - 6। ठीक है, तो ये मेरा आ गया -45 i कैप -2 j कैप -6 k कैप। अब इसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे किससे, इससे। तो अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं उससे, -12 i कैप प्लस लैम्डा के कैप डॉट -45 i कैप -2 j कैप -6 k कैप, और इसी का वैल्यू दिया हुआ है 546। यही तो वॉल्यूम है, इसी का वैल्यू 546 दिया हुआ है। तो ये मेरा आ जाएगा, दिस इज -12 × 45 मीन्स 12 × 45। There should be no j component, so j component should be 0. Next, lambda into -6, that is -6 lambda is equal to 546. -6 lambda, 546. So here lambda should be -6, so sorry, not lambda, 6 lambda should be -6, so lambda should be -1, lambda should be -1. So that's it from the question number 6, question number 7 this is question number 7 that I have solved. Next, move to another question, question number 8. The question are given A, B, C and if they are lying on the same plane, then so that the vector lying on the same plane. So ये vector coplanar है, वो हम लोग को प्रूफ करने बोला है, तो वो तो ईजी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में हम चला जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 इज ईजी, ओनली यू हैव टू फाइंड बॉक्स ए बी सी। उसके बाद हम चला जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, एक्सरसाइज 25A। क्वेश्चन नंबर नाइन में 9 क्या बोल रहा है, 3 वेक्टर आर कोप्लेनर। वेक्टर क्या क्या है, ए आई हैट प्लस ए जे हैट प्लस ए के हैट, ये फर्स्ट वेक्टर, ये सी के हैट ये फर्स्ट वेक्टर है। सेकेंड वेक्टर मेरा हो गया आई कैप प्लस के कैप, ठीक है, और थर्ड वेक्टर हो गया सी आई कैप प्लस सी जे कैप प्लस बी के कैप, ये हो गया तीनों वेक्टर। तो ये तीनों वेक्टर अगर कोप्लानर है तो हम लोग को शो करने बोला है, दिस इज गिवन दिस थ्री वेक्टर आर कोप्लानर, तो हम लोग को शो करने बोला है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो इसके लिए हम इसको ले रहे हैं कि ये ए वेक्टर
दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर. सो ए डॉट बी क्रॉस सी. तो पहले तो हमको बी क्रॉस सी निकालना है. बी क्रॉस सी वो क्या हो जाएगा, बी क्रॉस सी हो जाएगा आई जे के ए ए सी वन वन जीरो, क्या आ गया सी सी बी. ठीक है, तो अगर हम ये कैलकुलेशन करते हैं, दिस शुड बी माइनस सी माइनस जे इंटू सॉरी आई दिस नाउ ब्रेक इट आउट आई दिस इज माइनस सी अगेन माइनस जे कैप इंटू बी माइनस सी बी माइनस सी प्लस के कैप इंटू सी माइनस जीरो सी माइनस जीरो दैट इज माइनस सी आई कैप माइनस जे कैप इंटू बी माइनस सी और प्लस सी के हैट. ये आ गया. अब ए डॉट बी क्रॉस सी हमको निकालना है. तो ए डॉट बी क्रॉस सी क्या आ जाएगा, ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस सी के कैप डॉट माइनस सी आई कैप माइनस जे इंटू बी माइनस सी प्लस सी के कैप. ये कोप्लैनर बोला हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा मेरा. तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस ए सी. ठीक है, माइनस ए बी प्लस ए सी. ठीक है, और ये आ गया मेरा प्लस सी स्क्वायर इजिकल टू जीरो. हम एकदम डॉट प्रोडक्ट करके लिखे हैं तो ये मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ पर माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर इजिकल टू जीरो, तो सी स्क्वायर इजिकल टू क्या आ जाएगा, ए बी. प्रूफ्ड प्रूफ हो गया. ठीक है, दिस इज ओनली वन जीरो वन वन, ये हो गया वन जीरो वन, ये आ जाएगा. नेक्स्ट मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन हो गया. क्वेश्चन नंबर टेन क्या बोल रहा है, सो दैट द फोर पॉइंट्स हुज पोजिशन वेक्टर्स आर गिवेन. फोर पॉइंट्स हुज पोजिशन वेक्टर्स आर गिवेन आर कोप्लैनर. तो चारों पॉइंट दिया हुआ है, उसका पोजिशन वेक्टर भी दिया हुआ है. तो हम लोग को वो कोप्लैनर, वो जो कोप्लैनर है वो हम लोग को दिखाना पड़ेगा. तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा. उसके लिए हम पूरा बोर्ड इरेज करते हैं पहले. होप आप ये समझ पाए हैं. तो उसके लिए हम ये पूरा बोर्ड इरेज करते हैं. क्वेश्चन नंबर टेन हम ले रहे हैं, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है फोर आई कैप प्लस एट जे कैप. फोर आई कैप प्लस एट जे कैप प्लस ट्वेल्व के कैप, ये ए वेक्टर का पोजीशन, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर. नेक्स्ट ले रहे हैं बी का, बी का पोजीशन वेक्टर हम ले रहे हैं टू आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस सिक्स के कैप. ये बी का ले लिए. उसके बाद सी का लेंगे, सी का पोजीशन वेक्टर क्या लेंगे, थ्री आई कैप प्लस फाइव जे कैप प्लस फोर के कैप. उसके बाद ले रहे हैं डी का, डी का हम क्या लेंगे, फाइव आई कैप प्लस एट जे कैप प्लस फाइव के कैप, ये ले लिए. अब हम तीनों वेक्टर निकालेंगे, ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी ये निकालेंगे. अगर वो मेरा जीरो आ गया, तो अगर मेरा जीरो आ गया तो
हम बोल सकते हैं कि ये तीन चारों पॉइंट कोप्लानर हो जाएगा। तो हम ए बी वेक्टर निकालेंगे यहाँ से। ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन हम लोग को ठीक कर से करना पड़ेगा। माइनस टू आई कैप, ये हो गया मेरा ए बी वेक्टर, और माइनस फोर जे कैप, माइनस सिक्स के कैप, ये आ गया मेरा ए बी वेक्टर। ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप, माइनस थ्री जे कैप, माइनस एट के कैप, ये आ गया मेरा ए सी वेक्टर। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे ए डी वेक्टर। ए डी वेक्टर, ए डी वेक्टर क्या आ जाएगा, जे दिस इज आई कैप, दिस ओनली आई कैप, जीरो जे कैप, माइनस सेवन के कैप, तो ये आ गया ए डी वेक्टर। अब हम ए सी क्रॉस ए डी, ए सी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर, आई जे के, माइनस वन, माइनस थ्री, माइनस एट, दिस इज वन, माइनस सेवन, ज़ीरो। ओके, तो यहाँ से अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये आ गया 21 माइनस ज़ीरो, माइनस जे वेक्टर, दिस इज सेवन, प्लस एट, प्लस के वेक्टर, ज़ीरो, प्लस थ्री, प्लस थ्री, दैट इज 21 आई कैप, माइनस 15 जे कैप, प्लस थ्री के कैप, ये आ गया। अब इसके हम इससे हम डॉट प्लॉट करेंगे ए बी का, तो ए बी, ए बी वेक्टर डॉट ए सी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर, ये निकालते हैं। ये देखते हैं क्या आता है, माइनस टू आई कैप, माइनस फोर जे कैप, माइनस सिक्स के कैप, डॉट 21 आई कैप, माइनस 15 जे कैप, प्लस थ्री के कैप। यहाँ से दिस इज माइनस 21 प्लस 60 आई थिंक, प्लस 18, माइनस टू, माइनस 42। तो अगर हम ये कैलकुलेट करते हैं, ये मेरा ज़ीरो आता है। सो देन दैट मीन्स बॉक्स ए बी, ए सी, ए डी इक्वल टू ज़ीरो। सो यू कैन से दैट द फोर पॉइंट्स हुज पोजिशन वेक्टर गिवन आर कोप्लानर। नेक्स्ट मूव टू अनदर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 10। चार वेक्टर दिया हुआ है, चार पॉइंट्स दिया हुआ है, जिसका पोजीशन वेक्टर भी दिया हुआ है। तो हम लोग को दिखाने बोला है कि वो कोप्लानर है, सिमिलर। उसके बाद एक दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर व्हिच द फोर पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर आर गिवन। लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना बोला है, ये भी सेम ही है, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। तो हम क्वेश्चन नंबर 12, हम ये हिंट दे रहे हैं हिंट कैसे आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं इसका। देखिए यहाँ पर भी चार पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ए आई वेक्टर प्लस टू जे वेक्टर प्लस थ्री के वेक्टर, दिस ए। नेक्स्ट हो गया बी, बी पॉइंट मेरा हो गया थ्री आई कैप, माइनस जे कैप, प्लस टू के कैप। उसके बाद आ गया मेरा सी पॉइंट मेरा आ गया माइनस टू आई कैप, प्लस लैम्डा जे कैप, प्लस के कैप, और डी पॉइंट सिक्स आई कैप, माइनस फोर जे कैप, प्लस टू के कैप, ये चारों पॉइंट आ गए। तो फिर से हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे और ए डी निकालेंगे, तीनों वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए सी है, ए सी वेक्टर, उसमें एक टर्म आएगा लैम्डा लेके, क्योंकि ये जे कंपोनेंट में लैम्डा है, उसमें एक टर्म आएगा लैम्डा लेके।
अब यहाँ पर मुझे बोल दिया हुआ है कि ये कोप्लानर है लैम्डा का किस वैल्यू के लिए, लैम्डा का किस वैल्यू के लिए ये कोप्लानर होगा, तो उसके लिए हमको बॉक्स एबीसी को जीरो करना पड़ेगा। अब बॉक्स एबीसी को अगर हम जीरो करेंगे यहाँ से, तो अभी असली मेरा ऐसे अगर हम कैलकुलेशन करेंगे इस लास्ट स्टेप में एक लैम्डा का इक्वेशन आ जाएगा, वहाँ से हम लैम्डा सॉल्व कर लेंगे, तो वही होगा मेरा आंसर। ठीक है, यू ट्राई इट। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द फोर पॉइंट्स whose position vector is given are coplanar, similar question. Question number 13 is similar to question number 12. Next, move to another question. Using vector method so that the points A, B, C, D are coplanar, find the value of lambda for which the points are coplanar. यहाँ पर vector form में दिया हुआ था और अब यहाँ पर point में दिया हुआ है, तो हम 15 question number 15 का solution कर रहे हैं, question number 15. Okay. दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 25 है। अगर हम 15 का सॉल्यूशन कर लेते हैं तो हम लोगों का ये चैप्टर भी ओवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर, आर एस अग्रवाल मैथ बुक। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर व्हिच द पॉइंट्स, पॉइंट्स क्या क्या दिया हुआ है, ए 3, 2, 1, बी 4, λ5, सी 4, -2, 4, -2, और एक है डी, डी पॉइंट है 6, 5, -1, 6, 5, -1, ये दिया हुआ है। तो हम इसका पोजीशन वेक्टर ले लेंगे। पोजीशन वेक्टर ए का क्या होगा, ए का पोजीशन वेक्टर होगा 3i ⃗ + 2j ⃗ + k ⃗। बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 4i ⃗ + λ j ⃗ + 5k ⃗। सी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 4i ⃗ + 2j ⃗ - 2k ⃗। डी का पोजीशन वेक्टर 6i ⃗ + 5j ⃗ - k ⃗ हो गया पोजीशन वेक्टर। अब हम क्या निकालेंगे, ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर वो मेरा आ जाएगा i ⃗ + λ - 2j ⃗ + 4k ⃗, ये आ गया ए बी वेक्टर। ठीक है, ए सी वेक्टर i ⃗ + 0j ⃗ + 3k ⃗ और ए डी वेक्टर, ए डी वेक्टर क्या हो जाएगा, 6 - 3 = 3i ⃗ + 3j ⃗ - 2k ⃗। होप इट द कैलकुलेशन इज राइट। सो ए सी क्रॉस ए डी, ए सी क्रॉस ए डी वो क्या हो जाएगा, i ⃗ j ⃗ 1, 0, 3, 3, 3, -2। यहाँ से आ गया मेरा i ⃗ 0 - 9 + j - j वेक्टर, ये आ गया दिस इज -2 - 9 + k वेक्टर, दिस इज 3। ओके, सो दिस इज -9i ⃗ - +11j ⃗ + 3k ⃗, ये आ गया ना। अब ए बी डॉट बॉक्स ए बी सी निकालेंगे। बॉक्स ए बी सी सिंस हम लोग को दिया हुआ है कि सिंस ए बी सी डी आर क्या है, कोप्लानर है। सिंस ए बी सी डी आर कोप्लानर, सो बॉक्स
ए बी ए सी नॉट कॉमा होना ही होगा, ए सी ए बी ए सी ए डी, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इससे हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट किसका करेंगे, ए बी का। तो आई हैट प्लस लैम्डा माइनस टू जे हैट प्लस फोर के हैट डॉट माइनस नाइन आई हैट प्लस इलेवन जे हैट प्लस थ्री के हैट, ये आ गया मेरा जीरो। ऐसा अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ गया माइनस नाइन प्लस इलेवन इंटू लैम्डा माइनस टू प्लस ट्वेल्व इजिकल टू जीरो, माइनस नाइन प्लस इलेवन लैम्डा माइनस ट्वेंटी टू प्लस ट्वेल्व इजिकल टू जीरो। दिस इज इलेवन लैम्डा, तो अगर हम ये कैलकुलेशन करते हैं, ये मेरा आएगा, अगर इसको हम तोड़ते हैं तो ये मेरा आएगा नाइन आई हेट माइनस सेवन जे हेट प्लस थ्री के हेट, ठीक है, और प्लस नाइन है, ऑब्वियसली प्लस नाइन है आई हेट। तो इफ द कोऑर्डिनेट सो बॉक्स ए बी शुड बी जीरो, दैट मीन्स ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी, इसके इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है किस वेक्टर का, इस वेक्टर का, तो इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, दिस इज प्लस नाइन ऑब्वियसली, तो अगर डॉट प्रोडक्ट होगा प्लस नाइन, दिस इज माइनस सेवन इंटू लैम्डा माइनस टू फोर इंटू थ्री, ओके दिस इज फोर इंटू थ्री, तो ये प्लस ट्वेल्व, अगर हम कुछ तोड़ेंगे तो नाइन माइनस सेवन लैम्डा प्लस फोर्टीन प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, तो ये कैलकुलेशन बाय कैलकुलेशन ये आएगा माइनस सेवन लैम्डा माइनस सेवन लैम्डा प्लस दिस इज थर्टी फाइव इफ यू कैलकुलेट हेयर इजिकल टू जीरो, सो लैम्डा इजिकल टू थर्टी फाइव डिवाइडेड बाय सेवन, लैम्डा इजिकल टू हाउ मच, लैम्डा का वैल्यू कितना आ रहा है फाइव, ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। तो व्यूअर्स फॉर दिस वीडियो सो वी हैव कॉम्प्लीटेड एक्सरसाइज 25A आर एस अग्रवाल मैथमेटिक्स बुक का, ठीक है, उनका वो कंप्लीट हो गया प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। तो अगर फिर भी आप चाहते हैं कि कुछ अनदर सॉल्यूशन, तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में जाना बताइए कि मुझे सॉल्यूशन चाहिए इस एक्सरसाइज इस मैथ का, तो मैं कोशिश करूँगा डेफिनेटली वो सॉल्यूशन आप तक प्रोवाइड करने का। So till then, again I am telling you that keep watching my channel and do subscribe, stay with us and stay home, stay safe. Thank you.